ने कहा है कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। और इसी की एक मिसाल देखने को मिली है रांची में नामकुम के एक छोटे से गांव तेतरी गांव में, जहां पर राज्य कृत मध्य विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार के द्वारा की गई इस मोहल्ला क्लासेस की जो कोशिश है, उन्होंने इस गाँव के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को एक नई दिशा दे दी है। एक हाथ में व्हाइट बोर्ड और एक में कलम और डस्टर, इन तीनों को लिए ये वैन सफर को तैयार हो चुकी है। सफर गांव के भविष्य को सवारने का। आइए आपको ले चलते हैं राजेश सर के इस अनोखे क्लास में। नहीं है तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैम, सबसे पहले जब से लॉकडाउन हुआ 2020 से मार्च के बाद, तो सर विभाग से लेकर के सारे शिक्षक सबको पीड़ा थी कि हम वेतन तो उठा रहे हैं लेकिन उस वेतन का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जिनके लिए हमें वेतन मिल रहा है हम उनके लिए काम नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी बातें हुई, तो विभाग ने भी कुछ प्रयास किए और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि गांव-गांव में जा करके अभिभावक संपर्क किया, और उसके बाद जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल था उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ही जो विभाग से मटेरियल्स आ रहे थे उनको मैं डाल रहा था। लेकिन बच्चों को मैं देख रहा था कि बच्चे अपने शिक्षक को देखना चाहते थे उनको, तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब कुछ नया करना चाहिए, तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने तो घर में ही अपने बेटे के सहयोग से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और लगभग अभी तक 90 वीडियो मैं बना चुका हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, और फिर उन वीडियोस को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को क्लास वाइज डालने लगा, और कुछ टाइप करके कुछ प्रश्न उत्तर भी मैंने डालना शुरू किया, तो बच्चे उससे थोड़ा जुड़ सके कि राजेश सर ने भेजा है तो इसको करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर पूछता भी था फ़ोन करके कि आज का क्लास हुआ नहीं हुआ, तो इस तरह से मैम धीरे धीरे बच्चे फिर जुड़ने लगे। और पीड़ा तो तब होती थी जब मैम हमारे बच्चे जो टीनेज के बच्चे, एडोलसेंट एज के बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत जागरूक नहीं हैं, आज की परिस्थिति में वो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनको वो मजदूरी नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा, उनको इतनी सूझ नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में एक शिक्षक के साथ साथ माता पिता का रोल भी हम शिक्षकों को निभाना पड़ा। यहाँ कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप की उम्मीद को लेकर आए हैं, मगर कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जाल से बच कर आए हैं, ये सोच बदलने को कि उनकी सही जगह पढ़ाई की इस पाठशाला में है। हमारे जो इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं बाल मजदूरी में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, और चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पर एक समस्या है। और जैसे आपने अभी आप करियर बनाया, आप काम कर रही हैं, उस तरह का मौका इस ग्रामीण क्षेत्र के बहुत कम बच्चियों को नसीब हो पाता है। तो हमने उसको वो, मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे जब तक ये यहाँ के लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। हमारे सारे शिक्षक मैम, मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक आपस में बहुत प्रेम है और ख़ास तौर से मुझे उनका बहुत प्यार मिलता है। टीचर्स से बच्चों का रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा कि स्कूल बंद होने के बाद भी ना बच्चों ने टीचर्स का साथ छोड़ा और ना टीचर्स ने बच्चों का। टीचर्स व्हाइट बोर्ड लेकर चबूतरे पर पहुँच गए तो बच्चे भी झोला बस्ती लेकर हाजिर हो गए और बस शुरू हो गई मोहल्ला क्लासेस। पेरेंट्स ने हाथों हाथ लिया और बच्चों में भी ये ललक थी कि ये पढ़ाई मेरा छूट रहा है, वो भी वो उस गैप को भरने के लिए आतुर थे। और जब हमने शुरू किया मोहल्ला क्लास, कुटियातू में गए, सहरा में गए, हमारी जो बस्तियां हैं आज तेतरी में हम लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों की संख्या,
कि इतनी बड़ी संख्या है, और कुछ बच्चों को जो छोटे क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ाना है वो टॉपिक से बाहर हो जाएगा, तो उनको मैंने साइड करके रखा है। अगर तो इसलिए इतने बच्चे तो अभी हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर क्लास वाइज नहीं करेंगे तो यहाँ मेला लग जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने काफ़ी जो ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको भी नामांकन कराया है हमारे स्कूल में, आप रजिस्टर देख सकते हैं। तीन साल चार साल बच्चे लड़की लोग छोड़ दी थी पढ़ाई, लड़का लोग, उन लोगों का भी एडमिशन हमने कराया है। मतलब बहुत ही अच्छा से सर लोग पढ़ाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है हम लोग को, और सुमन सर पढ़ाते हैं, राजेश सर पढ़ाते हैं, उसके बाद सुलेंदर सर पढ़ाते हैं, फिर विपिन सर पढ़ाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है हम लोग को। आप बताओ मुझे मोहल्ला क्लासेस के बारे में थोड़ा, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, आप करते हो? 5-6 दिन से आते हैं। यहाँ सारी चीज़ें समझ में आती है पढ़ाई करने में? यस मैम। इससे पहले आप स्कूल जाते थे? यस मैम। यस मैम। उसके बाद फिर जैसे कोविड में तो जैसे क्लास स्कूल बंद हो गए, तो फिर उस समय घर पे पढ़ाई हो पा रही थी? नो मैम, मेरे पास फोन नहीं था। मेरा तो ये मानना है अगर शिक्षक में अगर क्वालिटी होगा तो वो बच्चों को जोड़ के रख लें, और बच्चे को हम लोग तो जहाँ जाते हैं बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे एक मेरा जो रिलेशन है हमारा, ख़ास तौर से मैं बच्चों से मेरा जो संबंध है, जब हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं तो भी हमको नहीं भूल पाते हैं, एक ऐसा रिलेशन हमारा बनता है, बहुत एक फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं। और बच्चे जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी घर की बातें जो किसी और को नहीं बताएंगी, या उनके साथ जो फेस हो रहा है वो किसी और को नहीं बताएंगी, मेरे को आके बता देती हैं बच्चे, तो हम उसको फिर देखते हैं कि हमारी मैम सॉल्व कर सकती है या उनके माता पिता तक कैसे उसको ले जाया जाए, फिर हम काम करते हैं। हम शुरू से हम हार तो मानते ही नहीं हैं, यहाँ पे काम करना है, बस इस जज्बे के साथ काम करना है, और ये हार मानने वाली बात जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो फिर बहुत दिक्कत, उस दिन तो आदमी डेड हो जाएगा, इसलिए हार तो मानना ही नहीं। कोविड में जब स्कूल बंद हुए तो बच्चों की मस्ती और टीचर्स के मजेदार तर्क उन्हें याद आने लगे। जब कहीं उलझते तो ना समझाने वाले टीचर्स होते और ना गलतियों पर डांटने के लिए गुरु। मगर अब जब स्कूल ही घर तक आ गया है तो बच्चों का खुश होना तो बनता है। अब अगर ये कोरोना के चलते हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाएं और अपना ज़िंदगी यहीं रोक दें, बच्चों की ज़िंदगी यहीं रोक दें, तो ये देश, समाज, देश सबके लिए बहुत घातक होगा। इसलिए मेरा तो मानना है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, कोरोना नियमों का पालन करते हुए विद्यालय को खोलना चाहिए। अब कहे कि काफ़ी देर हो चुकी है, ऐसा ना हो कि हमारा जो ये जनरेशन है उसको फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, अगर ये गैप नहीं भरेगा तो। बच्चे शहर के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन अभी तक उतने फलदायी, उतने फ्रूटफुल नहीं रहे। उसका रिजल्ट जो मिलना चाहिए मैम, वो मेरा एक आकलन है कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। मैं अपने घर में, हमारा बेटा भी है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, हमारी बेटी भी है, वो मतलब मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये टीन एज में बच्चे मोबाइल में बहुत सारे साइट्स हैं, वो क्लास करते करते, ऑनलाइन क्लास करते करते भटक जा रहे हैं, कोई गेम खेलने लग रहा है, कोई साइट खोल लिया, कोई साइट, ये मतलब बहुत ही डेंजरस हो जा रहा है हमारे बच्चों के लिए। और अब इससे, अब देर करना ठीक बात नहीं, इससे निकलने का वक्त आ गया है। अगर देश के ग्रामीण शिक्षित होंगे तो विकास की नई तस्वीर हमारे गांव से होकर एक समृद्ध भारत के सपने को पूरा करेगा। ये तस्वीर हम सबको सुकून देती है।
शहरों में जहां पर अभी भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है काफ़ी इजी, वहां पर स्मार्टफोन्स हैं बच्चों के पास और वहां पर पेरेंट्स भी बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर रहते हैं, लेकिन तभी भी कोरोना महामारी ने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि बच्चे घर बैठे पढ़ करके या पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। ऐसे में अगर जब बात हम गाँव की करते हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस और स्मार्टफोन जैसी चीज़ें होना अभी भी कल्पना में ही है और असंभव है, जहाँ पर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी में और भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना कहीं पीछे छूट जाता है। और ऐसे में राजेश कुमार जैसे शिक्षकों की कोशिश से ये अभी भी हमें उम्मीद जागृत रहती है कि जो शिक्षा की मुहिम जो शुरू हुई है गाँव-गाँव तक पहुँच रही है, वो अभी भी कोरोना महामारी जैसी संभावना के बाद भी खत्म नहीं होगी। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।